भारत की राजधानी दिल्ली में 5 जून को अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का आयोजन कराया जा रहा है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में इस सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। मुरादाबाद से भी भारी संख्या में वैश्य समाज के सदस्यों को इस सम्मेलन में भाग ले जाने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। दिल्ली रोड स्थित होटल में एक बैठक का आयोजन कराया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सुधीर हलवासिया, प्रदेश महामंत्री शैलेंद्र जी ने पहुंचकर सभी को संबोधित किया और इस सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए सभी से अपील की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि हम सब एकजुट हो और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। देखा गया है कि समाज आज भी बिखरा हुआ है, हमें सबको एकजुट करता एक ही मंच पर आना है और अपनी समस्याओं का समाधान भी कराना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा, और समाजवाद से कि हर जना दूसरे का भला सोचे, हर जना दूसरे की चिंता करे, और उन्होंने एक खुला ऐलान किया था कि राज्य में कोई भी नया व्यक्ति आएगा तो जितने भी लोग हैं सब उसको एक ईंट और एक रुपया देंगे। आप जरा कल्पना करिए कि कोई राज्य में नया आया, अगर उसको एक ईंट सबने दी तो उसका पर्याप्त प्रबंध हो गया मकान बनाने का, और अगर एक रुपया सबने दिया तो पर्याप्त प्रबंध उसका हो गया व्यापार करने का, जीवन यापन करने का, सुख समृद्धि के साथ रहने का। और एक रुपया देने वाले को भी नहीं खलता, एक ईंट देने वाले को भी नहीं खलता। तो ऐसी एक सुंदर व्यवस्था जिसमें कोई किसी का दुश्मन ना हो, कोई किसी का बुरा ना चाहे, कोई किसी की काट ना करे, कोई किसी का रक्तपात ना करे, सब समृद्धि के साथ एक विस्तृत परिवार की तरह भाईचारे के साथ रहे, ऐसा है हमारा महान समाज। और हमें गर्व है कि हम संतान हैं महाराजा अग्रसेन की। मेरा तो कहना है कि ये हमारा भाग्य है कि हमें मनुष्य जन्म मिला, पर ये हमारा सौभाग्य है कि हमें वैश्य समाज में जन्म मिला। बड़ी समाज सेवी एवं भारतीय जनता पार्टी आर्थिक प्रकोष्ठ के महानगर संयोजक एवं वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने सिटी चैनल से बात करते हुए इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 5 जून को दिल्ली में यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है। मुरादाबाद से भारी संख्या में लोग इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है हमारी अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन, जो हमारी एक बहुत बड़ी संस्था है पूरे हिंदुस्तान की, जिसका कि मैं मुरादाबाद महानगर का जिलाध्यक्ष हूँ। ये उस संस्था का आज कार्यक्रम है। 5 जून को दिल्ली में तालकटोरा में हम लोग एक बहुत विशाल सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें हम लगभग 20,000 वैश्य वहाँ इकट्ठा करेंगे, और वहाँ ये होगा कि हमारा संगठन किस तरह से आगे प्रारूप बने, कैसे आगे चले, किस तरह से हमें अपने समाज को इकट्ठा करना है, एकत्रित करना है, कैसे हम अपने समाज का उत्थान करें, कैसे हम अपने समाज को सामाजिक, राजनीतिक और समस्त व्यापारिक गतिविधियों में उत्थान करके आगे बढ़ाने के लिए हमारा संगठन किस तरह से अपने प्रारूप को बनाए। ये आज कार्यक्रम 5 जून को जाने के लिए आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुधीर हलवासिया जी और हमारे प्रदेश महामंत्री श्री शैलेंद्र अग्रहरि जी यहाँ आए हैं। वो आज उन्होंने सभी मुरादाबाद महानगर की जो हमारी संगठन बने हैं उन संगठन के पदाधिकारियों को संबोधित किया है। उसके बाद 5 जून की तैयारी चल रही है। हम लोग 5-6 बसें लेकर यहाँ से जाएंगे, लगभग 20-30 गाड़ियाँ। मैं समझता हूँ 200-250 लोग मुरादाबाद महानगर से दिल्ली तालकटोरा में पहुँचेंगे और मुरादाबाद महानगर का नाम ऊँचा करके अपना परचम लहराएंगे और वैश्य समाज को संगठित करने में अपनी अग्रिम और अहम भूमिका निभाएंगे।